अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। तो आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, जो लोग भी मलेशिया जाना चाहते हैं या मलेशिया से छुट्टी पे जाना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो मलेशिया से छुट्टी जाने से डरते थे कि हम जाएंगे तो वहां पे जाकर फंस जाएंगे, हम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मलेशिया गवर्नमेंट ने तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट पे पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन आज उसने ओपन कर दिया है, पाबंदी को खत्म कर दिया है। पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, ये हकीकत है, आज के वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि काफी दिनों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग सऊदी अरबिया में रहते हैं या आना चाहते हैं तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आज 10 अक्टूबर है, तो आज से नया कानून लागू हो चुका है। अगर आपने डबल डोज वैक्सीन नहीं लिया है तो अब आप लोग कहीं नहीं जा सकते हैं बिना डबल डोज वैक्सीन लिए हुए। जो लोग भी एक वैक्सीन लगवाए हैं या जो लोग भी कोरोना से रिकवर हुए एक वैक्सीन लगवाए हैं, उन लोगों को भी डबल डोज लेना है, नहीं तो आप लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं, सफर नहीं कर सकते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपने डबल डोज नहीं लगवाया है, जब तक आपको अलाउ नहीं दिया जाएगा। यहां तक आप उमरा करने के लिए नहीं जा सकते हैं, मस्जिद नबी में नमाज अदा करने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक डबल डोज वैक्सीन नहीं लगवाया है तो मेहरबानी करके लगा लीजिए, क्योंकि अगर सऊदी अरबिया में रहना है तो ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डबल डोज के आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। मार्केट हो, मॉल हो, बकाला हो, हर जगह पे चेकिंग है। अगर आपके तवक्कलना में इम्यून नहीं है, फुल कंप्लीट डोज नहीं है, तो आपको कहीं भी एंटर नहीं करने दिया जाएगा। जैसा कि कुछ लोगों का सवाल है कि भाई मेरा तो फुल कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मैं कोरोना से रिकवर हुआ था, तो अब नहीं माना जाएगा, आपको डबल डोज वैक्सीन लेना जरूरी है। और सवाल ये रहेगा कि जो लोग भी घर जाना चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों का जो टाइम है, यानी जो लोग भी जाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि हमारा तो टाइम कुछ दिन बाकी है, 10 दिन 5 दिन, तो हम क्या बिना वैक्सीन लिए हुए या एक ही वैक्सीन लिया है हम घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर एयरपोर्ट तक जाएंगे तो कोई भी टैक्सी वाला, कोई भी गाड़ी वाला जल्दी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है अगर चेकिंग के टाइम में पकड़ा गया तो। तो आप लोग घर जा सकते हैं एक वैक्सीन लगवाकर, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आना जाना हो, फ्लाइट का सफर हो, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो लगवा लीजिए, आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। तो फाइनली हम बात करते हैं, जो लोग भी मलेशिया से जाकर अपने देश में फंस गए थे या जो लोग भी मलेशिया से छुट्टी पे जाना चाहते हैं ताकि हम दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि नौकरी का सवाल है, काफी लोग इसकी वजह से नहीं जा पाते छुट्टी पे कि हम जाएंगे तो वहां पे जाकर फंस जाएंगे, तो उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, लेटेस्ट अपडेट है। अब आप लोग सफर कर सकते हैं मलेशिया के लिए, क्योंकि मलेशिया गवर्नमेंट ने आज ही संडे के दिन यानी 10 अक्टूबर को अलाउ दे दिया है, इंटरनेशनल फ्लाइट को आने का इजाजत हो चुका है, पाबंदी खत्म है, जो भी पाबंदी था उनको खत्म कर दिया है। और शर्त यह रखा गया है, जो लोग भी छुट्टी पे गए हैं उनका वीजा बाकी है, वैलिड है, तो आप लोग डबल डोज वैक्सीन लेकर डायरेक्ट सफर कर सकते हैं मलेशिया के लिए। ये पूरा डिटेल आप अपने कंपनी से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मलेशिया में नहीं हूं, लेकिन खलीज टाइम के मुताबिक जो बताया गया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप भी इस खबर से आगाह हो जाए, आप लोग तक ये खबर पहुंच जाए, ताकि इंक्वायरी करके आप सफर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी मलेशिया से छुट्टी पे जाना चाहते हैं वो लोग बिंदास जाकर अब वापस आ सकते हैं, जिसने डबल डोज वैक्सीन लगवा लिया है, एक डोज वैक्सीन लगवाया है तो नहीं चलेगा, डबल डोज लगवा लीजिए ताकि आप भी फायदे में रहे, जो भी WHO की तरफ से अप्रूवल किया गया है। ये फैसला मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से क्यों लिया गया है, क्योंकि मलेशिया में 90% लोगों को वैक्सीन लग चुका है, इसकी वजह से मलेशिया गवर्नमेंट ने आज ऐलान कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे हर कंट्री ने अलाउ दे दिया आने का जाने का, इसकी वजह से मलेशिया भी अब ऐलान कर दिया है 10 अक्टूबर से अब आप लोग सफर कर सकते हैं। अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया है तो अपने कंपनी से बात कर ले, क्योंकि अगर कंपनी बना देती है या बढ़ा देती है तो अब आप लोग भी सफर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी छुट्टी पे आए थे उनका वीजा बाकी है, वैलिड है, आईडी वैलिड है, उन लोगों को इजाजत दिया जाएगा, ये अभी नया अपडेट है। और जो लोग ये सवाल करेंगे कि यार नया वीजा कब से ओपन होगा, तो नया वीजा के लिए अभी कोई भी गारंटी नहीं कब से ओपन होगा, और धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, तो आप लोग अपने कंपनी से, मैनेजर से बात करके सफर कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग भी अपना सिस्टम अपडेट कर ले।